जय जय जगन्नाथ ध्याये ब्रह्मांडनाथम नील नील दतनु रत्न सिंहासनस्तम तदक्रे भाग्यदात्रे रुचि रुचिरतरा भाग्यदात्री सुभद्रा तदक्रे कामपालम धवलवरतनु लंगलम जस्य पानु श्रीलक्ष्मी रेवतिर्द्वे परिवसतु सदा ब्रह्मदारो स्मरामि दारो ब्रह्मम् स्मरामि परम कारुणिका करुणा वरुणालय भक्त वंचा कल्पतरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथं पद कमल तले यधमर अनंत कोटि प्रणाम मणिमा अनंत कोटि प्रणाम जनंको विष्णु प्रयमणे नमई तहंक जरणे तुंडे बोलई हरि हरि भो जगन्नाथ दैतरी दिव्यात्मन दर्शन करुछंती पतित पावनंकर सही चका चका नयन ता सहित महाप्रभुंकर सही दिव्य लीला दिव्य कथा को मध्य या पूर्वरु श्रवण करुथिले मोर बड़ भाई पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी शर्मांकर महोदयंकर संपूर्ण भावरे तंकर अनुपस्थिति रे सेतिपई शेष भाईंकर मुखार विंदरु आपण श्रवण करुथिले महाप्रभुंकर सही दिव्य कथा तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ीडितम कलम सापहम महाप्रभुंकर कथा हेउछि स्वतंत्र तंकर तत्व हेउछि मध्य स्वतंत्र किए बा बुझि पारिब तंकर रहस्य केही बुझि नांति अग्नि कोण रे कोण पाई रोष घर महाप्रभुंकर एते स्थान थाउ थाउ अग्नि कोण रे कोण पाई रोष घर हैला कोण रहिछि रहस्य निश्चित भाव रे ता विषय रे जानिबा कथा ता पूर्वरु गुटिए कथा मन मध्य रे आसे आ गया एते जो कथा आपण श्रवण करुछन ये महाप्रभुंकर कथा श्रवण करिबा द्वारा कोण लाभ होइताय सत्संग रे बसिबा द्वारा कोण लाभ होइताय सत्संग रु कोण प्राप्ति होइताय काहे किना कह जाय छी बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ये जो कथा गोटे रही महाप्रभुंकर कृपा को प्राप्ति हवा को हेले महाप्रभुंकर तत्व को शुणा को पड़ी था महाप्रभुंकर विषय रे जानिबा को पड़ी था से बोली भाव रे आपण मानंकर संचय नुह ये समस्तंकर संचय आज्ञा नारदंकर मनरे मध्य भाव रे संचय आसिला जे कि महाप्रभु ये जो सत्संग जो कह जाऊछि आपणंकर हरिंकर कथा श्रवण द्वारा कौन प्राप्ति होई थाए सतरे आज्ञा हरिंकर कथारे हरिंकर भजन रे कौन फल प्राप्ति होई थाए बोली निश्चित भाव रे समस्तंकर जानिबा पई इच्छा होई थाए से कथा जेतेबेले महाप्रभु को पचारिले महाप्रभु कहिले ई गुटे कथा आपण जानि नांते मु कौन कहिबी मु कहिबा पूर्वरु गुटे स्थान को आपण जानतु नैमि सार अन्य रे गुटे वटवृक्ष से वटवृक्ष रे गोटे छोटिया कीटटीए जन्म रही आज ताको पचारे सत्संग करिबा द्वारा हरिंकर नाम को संकीर्तन करिबा द्वारा कि फल प्राप्ति होइथाय नारद दंकर विना को बजई नारायण 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 को उच्चारण करी महाप्रभुंकर ठारु आज्ञा नहीं नैमिषारण्य अभिमुखे चलिले जे कि जानिबा पई इच्छुक सतरे आज्ञा कह जाए कौन केते जन तरी जाती ना श्रोता वो कता जे पचारी एतिनि जन जानती तरी भागवतर प्रमाण मिले श्रोता वकता जे पचारती से संपूर्ण भाव रे तरी जाती चलिले पचारी बापाई ये सत्संगर महिमा कौन जे सदा सर्वदा सत्संग करती से सत्संगर महिमा को पचारे गोटे छोट कीट पाख को जा पहुँची गले कहीं प्रभु आज्ञा शिरोधार्य ये भावना करी जिते बड़े पहुँची जाती वटवृक्ष देखिले महाप्रभु को पचारि कौन आज्ञा वटवृक्ष अनेक तो कीट थे ना से वटवृक्ष केवल गोटे कीट छोटे कीटटीए जा आप पचारत।
खोजिले कीट को किपरि भाव में छोटिया कीटटी आखिक देखा गले तो तथापि महाप्रभु आदेश तो अवमानना करे ना खोजी चलिए गोटे पत्र से कीट को देखिले पचारे महाप्रभुंर कथार कौन रस अच्छी सत्संगर कौन महिमा अच्छी कही दिंतु ये भाव जत पचार से कीटटी आज्ञा पत्र सालु सालु होलुला से संपूर्ण भाव पत्र को छाड़ी दे मृत्युवरण कला से आश्चर्यचकित हेले कहले मत प्रभु पठेले मुते बाट आसली मु कहवा मात्र के से कहवा पर्यंत शुणुला तार संपूर्ण भाव क्रिया करूला जिते बड़े एक कथा को शुणी शुणी सारी तार मृत्युवरण है कौन ये अशुभ घटना से बड़े पुनर्वहार कौन कले महाप्रभुंर पाख को प्रत्यावर्तन कले महाप्रभु आपण कौन पठेले मत निराश कले आपण कहतु ना कहले ये गोटे कथा आप गोटे जगार निराश हो जाऊँच किपर भाव हम आउ गोटे जगह को जातु मर्त्य भूमि स्वतंत्र भाव सहित विद्यानगरी से विद्यानगरी गोटे बड़ साहूकार धनरत्न बहुत अच्छी गोटे शुआटीए रही से शुआटी को जा पचारंतु जे कि महाप्रभुंर कथार कौन रही श्रद्धा कौन कथार रही महात्म्य कहले के जगह किपर भाव में ना सी एक गोटे से गाँव में साहूकार बहुत अच्छी ताखे धनरत्न अच्छी जा पहुँची गले से साहूकार पाखे देखला बेलू हाँ विराट बड़ बंगला से बंगल अनेक चाकर बाकर रही गोटे शुआटीए पाई से साहूकार से साहूकार कथा जत शुणिले ग्राम से पहुँचु पहुँचु साहूकार कथा पचारू साहूकार कथा कहले हाँ सी गोटे शुआ रही सुनार रखी कौन पंजूरी सुनार पंजूरी ताको पुणी दस पंदर जन जगी तार सेवा करता शुणी आश्चर्य हो गले तथा दम्भ बांधि जा पहुँची गले तारी घरे पचारे आपणकर शुआ कौन विभिन्न कथा कहूँ आम टे देखा आसती नारद तो वेश पोषाक देखी समस्त जाणीदे जे ये हरिंर भक्त जिते स्वागत कर नहीं गले कहीं ये हरिंर भक्त होता द्वारा समस्त प्रकार सबुआड़े चिन्ह समस्ते जानती नारद को पाछुड़ी नहीं सादर सहित शुआक पाखे बसईदे कहले आपण मैने समस्ते जातु कि मोर भितर जीव आउ जीव सी ना कहीं आम समस्ते जीव आज्ञा कहीं जी जीव चल जीव कहीं ये आम समस्ते जीवा आज्ञा कहीं रही से भाव से जीव पाखे जाते बड़े नारद पहुँची गले नारद पचारुंती महाप्रभुंर कथाश्रवण द्वारा कौन फल प्राप्ति होता है जगन्नाथंर कथाश्रवण द्वारा कौन फल प्राप्ति होता है विष्णुंर नाम भजन में कौन फल प्राप्ति होता है आपण तो देखुले सिंह द्वार किपर भाव में संकीर्तन रत संकीर्तन किपर भाव में करुले से दृश्य मध्य देखुले ये कथा को शुआ जिते शुआ को जिते बड़े पचारिंट शुआटी जहाँ खाऊला टुकुर टुकुर कर संपूर्ण भाव से पंजूरी भितर उल्टिक पड़ा अर्थात मृत्युवरण कला नारद विस्मित हो गले आश्चर्यचकित हेले कहले एठू बंचिक जीवि किपर भाव ये तो बड़ अजब कथा है किपर भाव बंचिक जीवि जे सुनार संपूर्ण भाव सुनार संपूर्ण भाव टे कौन कर पंजूरी टीए करते जन समस्ते जगे सी मरीगला जो खबर शुण मत सी रखब तो किपर भाव लुचिकारी से पड़ी आसिले जिते लुचिकारी पड़ी आसिले ना महाप्रभुंर पाखे पुणी पहुँची गले आज्ञा महाप्रभुंर पाखे पहुँची जा कहते महाप्रभु कौन मत भाव दंड दवापाई आपणकर आग्रह अच्छी कि जदि दंड दवापाई आपणकर आग्रह अच्छी मत कहीदे मुई कहीं जा आज आज्ञा माड़ खाई पुनर्वहार महाप्रभु कहले ये किसी हैनी आउ गोटे स्थान को जातु कहीं ना ये सत्संगर महिमा आपण को जाणी को पड़ सत्संगर महिमा आपण को जाणी को हेले अवंती देशर राजा संपूर्ण भाव गोटे कन्या संतान जात हो कहले हाँ अवंती देशर तो राजा को मुझे
ना तांकर बहु काल परे दस बहर दस कोड़े वर्ष परे गोटे संतान टे जात होती बड़ा भल कथा केते थर मध्य साक्षात हो पचारिंट मध्य कही हाँ निश्चित भाव में आपणकर पुत्र संतान टे जात हे ना तांक पाखक आज्ञा तांक पाखक जीवी जदि से अवस्था हे राजा मत छाड़े तो राजा पाखे तथा पहुँची गले राजा मध्य सादर निमंत्रण करिसंती आज्ञा कहीं कहते नारद जयति जयति माया जस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलज्या ध्रुवपदमतिमपि जातो यत्कृपया ध्रुवायं सकल कलुषपात्रं ब्रह्मपुत्र नतास्मि जानिले ते बेले नारद आसंती कहीं नारदंकर आज्ञा ध्रुव आज पद पाई प्रहलाद आज भक्त भितर शिरोमणि हो पारिंटी समस्त माया को काटिंटे जी सी जिते आसिक पहुँचती आशीर्वाद दवापाई से मध्य सादर निमंत्रण करी तांकर पद धौत करी कहले आज्ञा छोट बालक को आशीर्वाद ना मुझे छोट बालक पाखक ही आसी नारद कहते छोट बालक पाखक आसी कौन पर ना ताको आशीर्वाद देवी किसी कथ उपकथन होगी ताको छाड़ी दिंतु एकांत में मुझे सहित वार्तालाप करी एपटे नारदंकर मन में संदेह रही कि मु पचारू पचारू जदि कहीं थरे दुई थर होन थर कौन पर नहब ये भाव में जिते बड़े पचारिंट तथा राजपुत्र आज्ञा दुई दिन बालक सी कह लगुच आज्ञा आपण हरिंर भक्त आपण एपर्तंत जापारे ना चिन्ह पारे ना जो संपूर्ण भाव में नैमिषारण्य गोटे छोट कीटटे जो कीटर मुझे आसी यही राज परिवार रे पुनी पुनी जन्म ग्रहण कली ये केवल आपणकर द्वारा जो ठाकुर नाम जगन्नाथंकर नाम द्वारा कौन प्राप्ति हम यही कथा को केवल श्रवण द्वारा मुझे किपर भाव जन्म जन्मांतर रे जो कथा कहीं अनेक जन्म पर मनुष्य जन्म ये प्राप्ति होता है आज्ञा से तो कहु कौन मनुष्य जन्म रे लाभ जदि गोविंद करे भाव ये मनुष्य जन्म प्राप्ति हेली कौन मुझे जानी एत कोटि कोटि जन्म जोनि जन्म रे जन्म हो सारापर मनुष्य जन्म प्राप्ति हुए किंतु मु प्रथमे कीट हुई जन्म होती पुनर्वार आपणकर सत्संग लाभ द्वारा मु कौन पुनर्वार गोटे सुआ हो जन्म हेली पुणी आज राजा घरे ये हूँ महानता महाप्रभुंर सत्संगर महिमा कौठ कौटी नहीं कि पहुँचे दिंती आज्ञा महाप्रभुंर नाम संपूर्ण भाव क्योंठा क्यों ठीक पहुँचे दिंती ये हूँ सत्संगर महिमा महाप्रभुंर महिमा महाप्रभुंर नाम स्मरण रे महाप्रभुंर नाम उच्चारण रे मात्र के जन्म जन्मांतर दुख जन्म जन्मांतर पाप को संपूर्ण भाव नष्ट कर दिंती से नश्यंती सकल दुखा बोली कह जाए जिते बड़े आपण महाप्रभुंर मंदिर को जाऊँच आज्ञा निश्चित भाव में महाप्रभुंर रोष घर जो अग्निकोण से विराजमान ये अग्निकोण से कौन पाई ये विषय को जिते बड़े जानवे आज्ञा आश्चर्यचकित हो सबकि आश्चर्य सर्वम रहस्य पुरुषोत्तम से देवेण जानाति कुत मनुष्य जहाँ को देवता माने जापारती आम बा साधारण मनुष्य कौन जापर आज्ञा रोष घर अनेक रहस्य अच्छी रोष घरे अनेक दिव्य पदार्थ मध्य रही अनेक ताप देखा प्राप्ति हम जपरि भाव चूला रही भितर गंगा जमुनार कूँ रही ये अग्निकोण कौन पाई या उपरे आगे जीवा अग्निकोण जपरि भाव कथार रही आज्ञा कौन आमर वास्तुशास्त्र अनुसार क्यों दिग क्यों कोण क्योंठी आपण कौन करवा कथा महाप्रभु सदा सर्वदा तारीपर मध्य पर्यवेक्षित सदा सर्वदा ताकू निर्दिष्ट भाव में नजर रखि था केवल नजर एपट सेपट करती ना कहीं महाप्रभु विधि को धारण करिछंती विधि को सदा सर्वदा रक्षा करती विधि जो रही विधि विधान के करिवान गोटे कथा रही विधि विधान को सदा सर्वदा महाप्रभु जगी देखिले एत स्थान रही आज्ञा ये पुणी श्रीक्षेत्र
श्रीक्षेत्र पुणी महाप्रभुंकर मंदिर मंदिर स्थान साई थी अग्निकोण तार कथा जितेबाला आज्ञा आसे चलतु मु आउरी आगो को तुमको नहीं जाऊँगी महाप्रभुंकर ये जो वास्तुशास्त्र अनुसार वास्तुशास्त्र अनुसार आमर जो पृथ्वी पृथ्वी गोटे गोलाकार आज्ञा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये संपूर्ण भाव चारि दिग आ चारि कोण रही अर्ध उध ये हूँ दस दिग बोली कहुआ ये दस दिगरे क्यों दिगरे क्यों देवतांकर मणि पुणी वास रही तार स्वतंत्रता रही आज्ञा जेपरी भाव पूर्व इंद्राय नमः बोली कहुआई अग्निकोण से अग्नय नमः दक्षिण से जमाय नमः ये भाव में गोटे गोटे स्थान रे दस दिग जो अच्छी दस देवता प्रपूजित होई थन से भली भाव रे पृथ्वी हूँ गोलाकार पृथ्वीर पूर्व उत्तर पश्चिम ये समस्त प्रकार आपण जिते बड़े देखिए निश्चित भाव रे ये पृथ्वीर अग्निकोण से आम भारत वर्ष वर्ष ये भारत देश जो आपण कहउचंती ये सबुठारु कण अग्निकोण रे पृथ्वीर अग्निकोण रे आमर भारत किपरी भाव से कहा जाए महाप्रभुंकर जो कथा आसी थाए भल भाव आपण चिंता करते संपूर्ण भाव देश रही ये देश भितर भारत वर्ष श्रेष्ठ बोली कहगला वर्षाणम भारत श्रेष्ठ देशाणम उत्कल स्मित उत्कल को आसवा जिते बड़े भारतर मानचित्र को आप भल भाव देखत आज्ञा ये भारतर मानचित्र अग्निकोण से ओडिशा उत्कल प्रदेश ये उत्कल मानचित्र को भल भाव देखत जिते जिला रही पूर्व ओडिशा पश्चिम ओडिशा ये संपूर्ण भाव जिते आज्ञा आसी थाए पुरी मध्य संपूर्ण भाव ओडिशार अग्निकोण से विराजमान से अग्निकोण से पुरीर अग्निकोण पुरी गोटे जिला जिलार मानचित्र देखत खाली पृथ्वीर मानचित्र भारतर मानचित्र ओडिशार मानचित्र देखा देखने हमें पुरीर मध्य गोटे मानचित्र अच्छी ताकू देखु कहीं सब प्लट्रे सब स्थान सी मेप रही मानचित्र रही थे देखु पुरीर मानचित्र को जो देखिए आपण निश्चित भाव जाणीजे पुरीर अग्निकोण से महाप्रभुंकर बड़ देउल आज्ञा बड़ विचित्र जहाँ आपण प्रत्येक समय महाप्रभुंकर से बड़ देउल को देखुंत ये हूँ पुरीर अग्निकोण से महाप्रभुंकर मंदिर ये मंदिर अग्निकोण से महाप्रभुंकर रोष घर जोठी महाप्रभुंकर पाई प्रस्तुत हुए जदन्न पच्यते लक्ष्मी भुक्षते पुरुषोत्तमा जोठारे महालक्ष्मी रांधना करती आज्ञा भक्षण करती स्वयं दनार्दन बोली कहुआई से तो जिते बड़े इंद्रदुम्न राजा को कहले महाप्रभु वरदान माग प्रतिमा उवाच प्रतिमा कहुचंती किसी वरदान माग सेते बले इंद्रदुम्न कहुचंती खाई भुंजो जगन्नाथ हत न सुखीब महाप्रभु आपण तो अनेक लीला करिछंती मु सुनिछि अनेक लीला रे मध्य ये समस्त देवता माने भागीदार होइछंती एठी किछि लीला करिवार दरकार नाही जहा लीला करिछंती से पटे आगुरु जो लीला करिछंती जहा वैकुंठ रे आपण लीला करंती से लीला करिवे किंतु अधिक एक लीला जेहेतु एति मर्त्य भूमि ये मर्त्य भूमि रे महाप्रभुंकर कण सबुठारु होउछि अन्न अन्न विहुने सृष्टि नाश यदि अन्न नथिबो भोजन नथिबो ताले किछि नाही आज्ञा आमे जहा करुछंती कण पाई आज्ञा भोजन पाई ये पेट खंडक पाई किंतु आपण केते बेले मध्य पेट पाई नाटक करि नहंती केवल नाटक करिछंती जब जब होई धर्म के हानि जते बेले धर्म रा हानि घटे सेते बेले आपण ही प्रकट हुंती जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत ये भारत वर्ष रे आपण जन्म ग्रहण करंती जते बेले धर्म रा संकट आसे किंतु एठारे आपण प्रकट जो हेछंती केवल लीला करिवे खाउथिबे पुनर्बार खाउथिबे केवल खाइबार लीला एठारे आपण करिवे सेदिपाई महाप्रभु आपणकर हात सुखीबो नाही देखुनांती एभली भाव रे कौनसी स्थान देखुनांती महाप्रभुंकर बल्लभ लागिबो प्रथम भोग
माँ प्रभुंकर वल्लभ वल्लभर अध घंटे घंटे पर पुनर्वार कण डाक आसीज सका धूप पाई पूजाठा बढ़ाजी पूजाठा डाक आसीज पुणी अध घंटे जा नोग मंडप पुणी अध घंटे जा नीपर धूप पुणी अध घंटे जा नहाप्रभुंर द्वितीय भोग मंडप द्वितीय भोग मंडप पुणी सरी सारापर संध्या आरती सरी सारापर महाप्रभुंर संध्या धूप सरु सरु महाप्रभुंर चंदन लागि हो सारापर बड़ सिंगार भोग देखुना किपर भाव खाली खाई महाप्रभु ठारे विराजमान करते खाइबे से कौन रोष घर दरकार ना से रोष घर महाप्रभुंर से करागला अग्निकोण से कहीं अग्निकोण से रोष घर करने द्वारा अग्नि शुभ नजर रही थाए ता सहित सुपाक भल पाक जहाँ कि महाप्रभु खाइबे स्वादिष्ट नहले खाइबे आज्ञा कालिया शांत परा कोटी ओडियार मौड़मणि कैवल्य दाता सीए सी होती सब भले सदा सर्वदा भल जिनस को ग्रहण करती कहीं देखिपार ना सबरी कथा मन पड़ू पकाना सबरी जपरी भाव चखी चखी मिठा कोली आज्ञा दौला ये भाव महाप्रभु जहा खाती आज्ञा भल खाती कह खराब ना महाप्रभु को जो भक्त आज्ञा जिते बी सदा सर्वदा भल दे था आ महालक्ष्मी जिते रांधे सी तो अपूर्व भाव कहीं जदन्न पच्यते लक्ष्मी मुख्यते पुरुषोत्तम आई रांधना करूना आज्ञा स्वयं महालक्ष्मी आज्ञा कई पाचिका रूप से महालक्ष्मी संपूर्ण भाव पाचिका रूप से पटे विराजमान कर रक्षा करने से पाचन गृह को रक्षा करने दक्षिण काली विराजमान कर हिंगुला देवी अग्नि रूप से विराजमान आज्ञा से विचित्र कथा कौन कह हिंगुला देवी यठार आवाहन करते अन्न रंधा हे हिंगुला देवी जहाँ संपूर्ण भाव तालचेर आप उत्कल से भाव महाराष्ट्र सोपीठ से राजा इंद्रदुम्न तत्वावधान अनुसार समस्ते जा कहले महाप्रभुंर रोष कार्य किपर भाव हम से हिंगुला डकगला हिंगुला आसी एठार विराजमान कर अग्नि महाप्रभुंर जो अग्नि संस्कार करा से अग्नि संस्कार हूँ वैदिक नाम अग्नि संस्कार करा सर सी वैष्णव नाम अग्नि कहीं सबकि वैष्णव नाम अग्नि ही महाप्रभुंर सबकि पूजा पंडा सामंत द्वारा महाप्रभुंर रोषहम हम रोषहम हो सारापर पर महाप्रभुंर जिते प्रकार कथा रही आज्ञा जिते चूली रही जो महाप्रभुंर केतोटी चूली किए कह आज्ञा 752 चूली संपूर्ण भाव देखा गले जहाँ रेकर्ड डाइट अच्छी 242 चूली आज्ञा ये 242 चूली तादर मध्य कोठो चूली अच्छी ता भीतर पुणी भाग भाग ता भीतर होइछि अनेक चूली मध्य ता भीतर कथा आसी थाए जहाँ को रक्षाकर्ता हिसाब से अग्निश्वर महादेव विराजमान करिछंती आज सोमवार रे जेतु देवदेव महादेवंकर कथा आज्ञा आसी इठारे कौन पाई आसी ना इठारे रक्षक हिसाब से अग्निकोण रक्षक हिसाब से महाप्रभु विराजमान करिछंती अग्निकोण रक्षक ताधर कौन विष्णु पाक विशोधक बोली कह जा अग्निश्वर महादेव विष्णु पाक विशोधक महाज्वालमय शंभु बोली कह जा से शंभु महाज्वाल महारुद्र बोली कह जा से महारुद्र शंभुंकर कथा जिते बड़े आज्ञा आसे से बड़े निश्चित भाव महाप्रभुंर अनेक प्रकार कथा देवदेव महादेव ठारे अग्निश्वर महादेव संपूर्ण भाव विराजमान करिछंती केवल से अग्नि को रक्षा करने रोष घर रक्षाकर्ता हिसाब से अग्निश्वर महादेव विराजमान करिछंती वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पर्णग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनम वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्त जनाश्रयंच वरदम वंदे शिवशंकर शिवशंकर जे होछंती अग्निश्वर महादेव
सेठे विष्णु पाक को विशोधन करने विराजमान करग्निकोण से विराजमान करते देखिए रोष तो होता है रोष किपर भाव होता है आज्ञा तहार स्वतंत्रता रही कौन सी प्रकार सेठे आप मेसीन व्यवहार हो नाए जंत्र व्यवहार हो नाए महाप्रभु कहते आज्ञा जंत्र व्यवहार करतु निजे जंत्र हो जातु ना बाहर रे अनेक प्रकार जंत्र व्यवहार होता है किंतु महाप्रभु मंदिर रे कौन सी प्रकार रोष घरे जंत्र व्यवहार हुए ना सबकि हाथ में होता है एवं देखिए आपण जदि पा उठेबाप चेष्टा करती आउ नलकूप ना नलकूप सहज होता प्रथम कूप थी कूपरु नलकूप नलकूपर एवं कौन मटर मारिदे सुइस मारिदे आज्ञा जल उठु किसी कष्ट पड़ूनी ये कूप कथा जो आज्ञा आसे अनेक मंदिर भितर अनेक कूप रही भितर रोष घर आज्ञा दुईट कूप से पुणी कौन ना महाप्रभुंर अति प्रिय जो जल रे स्नान करने द्वारा जो जल रे स्नान करने द्वारा पाप विमोचन हो जाता है जो जल रे स्नान करने द्वारा भक्ति जाग्रत होता है से हूँ गंगा और जमुना आज्ञा दुईट कूर नाम हूँ गंगा जमुना कूप कहीं ये गंगा जमुना कूप आसवार रहीबार तात्पर्य रही आज्ञा यठार आपण देखु समुद्र पाख समुद्र पाख होता द्वारा एठारे जल यदि बेसी खोलिबे ताले मधुर बाहर किंतु संपूर्ण भाव देखा गले अनेक स्थान को आपण जीवे जितेबले संपूर्ण भाव में महाप्रभुंर ये स्थान सीना आउ जो जो कौन स्थान को जीवे संपूर्ण भाव में बाली अर्थात महाप्रभुंर जो समुद्र समुद्र तट में आपड़ जिते बड़े खोलिबे खारा जल लवण आक्त बोली जल संपूर्ण भाव बाहरी था किंतु एठारे ये सब महाप्रभु खाइबे जदि लवण जल रे कौन किसी पार समुद्र जल रे आपण कौन रोष करें कहले किपर भाव रोष कार्य होती महाप्रभुंर स्वतंत्र भाव आज्ञा कहीं ना महाप्रभु आशीर्वाद देदेले क्या इंद्रदुम्न से व्यवस्था जहाँ को महाप्रभु आशीर्वाद दिखती किपर भाव हम से व्यवस्था महाप्रभु कर दिखती आज्ञा व्यवस्था करदे आज्ञा देदे गंगा जमुना को आशीर्वाद संपूर्ण भाव आदेश दे आपणकर धारा दे दिंतु गोटे धारा ये श्रीक्षेत्र आड़ को ये उत्कल धाम को ये श्रीमंदिर भितर को दाई दिंतु जपरी भाव में ये कूप सुख ना आज्य संपूर्ण भाव में महाप्रभुंर रोष कार्य चल से दुईट कूप मधुरातीत मधुर जल आज्ञा संपूर्ण भाव एवं जिते बड़े जीवे आपण निश्चित भाव में दुईट कूप देखिए ये कूपर जल द्वारा महाप्रभुंर समस्त प्रकार रोष होता है जिते बड़े कूपर मध्य जल बाहर करते सेवक मैने से निश्चित भाव श्रद्धार सहित निष्ठार सहित संपूर्ण भाव उदा लुगा पिंधि महाप्रभुंर कूप जल को कौन सी मेसीन व्यवहार कर कौन सी प्रकार मेसीन व्यवहार नक से संपूर्ण भाव में कूप जल को संग्रह करती महाप्रभुंर ये रोष घर ये मध्य स्वतंत्रता आहरी जहाँ सबकि अन्य द्रव्य मानक भितरे ना आलू पशि थाए ना टमाटो पशि थाए ना बाहर कोबी पशि थाए ये भाव में अनेक पदार्थ आज्ञा बंद करवतंत्रता अच्छे कौन पाई कारण कौन ये निश्चित भाव में अनेक कारण रही आज्ञा वैज्ञानिक दृष्टि देखिले ता सहित धार्मिक भावना दृष्टि देखिले निश्चित भाव जहाँ महाप्रभु होती देशर देवता उत्कल देवता बोली कहुता सारा जगतर नाथ हेले उत्कल अछ सत ये उत्कल थी उत्कल जहाँ सबकि आज्ञा से प्रस्तुत होता आम आलू को कौन कहते आज्ञा बिलाती आलू बिलाती लोक पशिबे ना बिलाती आलू किपर भाव पशिब से आलू मध्य प्रवेश करे बिलाट टमाटो टमाटो पशे ना आलू कौन पशे ना खंब आलू बोली जहाँ को कहुए मटी आलू सी पशे अनेक पदार्थ मान आज्ञा जहाँकि बारण करम शास्त्र आज्ञा
ताकु मध्य मध्य संपूर्ण भाव में मना करा जाइछि एई खाद्य आपण को ग्रहण करिवे नाही। ए खाद्य को ग्रहण करबा द्वारा मध्य कोन होइथाय आपणकर शरीर रे मध्य संपूर्ण भाव रे विभिन्न प्रकार रोग को सृष्टि करिथाय सेति पई मध्य धारणा दिया जाइथाय। जेते बेले कथा आसे महाप्रभुंकर निश्चित भाव रे जेते बेले आछंती रोष घरे टिके बोली कि जानतु रोष घर रा अद्भुत संपूर्ण भाव रे देखी कि जानतु महाप्रभुंकर पतित पावनंकर त दर्शन करुछंती ता सहित दर्शन करिवा सहित महाप्रभुंकर नाम को संकीर्तन करिवा सहित आसंतु स्टूडियो रे पहुंची जिबा। मोर बड़ भाई मध्य उपस्थित अछंती महाप्रभुंकर से मुखार बिंदर महाप्रभुंकर दिव्य कथा श्रवण करिवा। जगन्नाथ 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 पाहि माम जगन्नाथ 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 रक्ष माम जगन्नाथ पाहि माम जगन्नाथ रक्ष माम जगन्नाथ 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 पाहि माम। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे न